राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राकेश मेहरा इस यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने एस एस सी टेन प्लस टू के पेपर का एनालाइज करने जा रहा हूं। इसके पहले पेपर में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे उसी पेपर में कुछ और क्वेश्चन आए हैं जो मुझे आज मिले हैं उन क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करूंगा और आपको बताने का ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे चाहे वो एस के हो चाहे एन के हो चाहे पटवार के ही क्यों ना हो कॉन्स्टेबल के ही क्यों ना हो क्योंकि उसमें भी आपका इंडिया और वर्ल्ड करंट जी के ऐड है सिलेबस में है आपका तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और मैं अपने अनुभव के आधार पर उनके आगे की रणनीति को जो भी मैं समझ पाता हूँ आपको बताऊँगा आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इस चैनल के महत्व को वो समझ सकें और सोशल मीडिया में जो भटकाव की स्थिति बनी हुई है उससे वो निकल सकें इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जो कि टेलीग्राम और ऐप से संबंधित है उन्हें आप अपलोड कर लें तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे क्वेश्चन के अगले चरण में एक क्वेश्चन आया हुआ है मैं नंबर पहला ही डाल देता हूं क्रिस्टल अवॉर्ड क्रिस्टल अवॉर्ड किसको दिया गया यह क्वेश्चन आया हुआ है अब देखिए यह मैंने आपको करवा चुका हूं आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए करवाया हुआ है आप तो मैं ज़्यादा उसका बखान करने से मैं बचूंगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो चैनल है वो किस तरीके से आपको नॉलेज डिलीवर करता है और आपके एग्जाम के वो कितने निकट है ये आपके समझने की बात है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ये क्रिस्टल अवार्ड मैंने आपको करवाया था ये एस एस प्लस टू के एग्जाम में आया है और कहा कि किसको मिला तो ये मिला है दीपिका पादुकोण को फिल्म अभिनेत्री है ये इनको मिला है दीपिका पादुकोण को ये प्राइज मिला है हालांकि मैंने क्रिस्टल अवार्ड के बारे में वहाँ सारा बताया था कि एक तो ये फ्रांस का पुरस्कार है फ्रांस का पुरस्कार है तो यहां पर आपका जो अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि क्रिस्टल अवार्ड कौन से देश की तरफ से दिया जाता है इस टाइप का बन जाता है क्योंकि ये पूछ लिया कि किसको मिला तो अपने आप में वो महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो हमें ये आगाह करता है कि इसमें अब इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसके अलावा जैसे फिल्म स्टार से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण फिल्म स्टार उनको यदि अवार्ड मिलता है तो पूछा जाता है जैसे कल के एग्जाम में ही आप बात करोगे तो फिल्म स्टार से संबंधित दो क्वेश्चन पूछ लिए एक तो क्रिस्टल अवार्ड का पूछ लिया एक दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला अमिताभ बच्चन को मिला ये पूछ लिया तो हमारे दिमाग में एक फिनोमिना बन जाता है कि जो अवार्ड फिल्म स्टार को मिलेंगे फिल्म अभिनेत्रियों अभिनेता को मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे फिर हमें उसकी बेसिक बातें पता होनी चाहिए जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिस्टल एवॉर्ड फ्रांस फ्रांस का पुरस्कार है अब थोड़ी सी बात करें इसका जो प्रारंभ हुआ था 2006 में हालांकि ये लाइन तो क्वेश्चन के रूप में आने की संभावना कम जताती है लेकिन एक बात और होती है जैसे हम कहें एक क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है यह क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा आपने ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है इसका मतलब जो पुरस्कार होते हैं जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रेमी अवार्ड के संबंध में बता दिया नोबेल पुरस्कार के संबंध में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है तो वहां पर्यावरण ऑप्शन में डाल देता है तो पर्यावरण में नहीं दिया जाता है ये तो क्षेत्र हमेशा इंपॉर्टेंट होता है तो ये जो क्षेत्र दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर में कला व साहित्य में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है कला और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए क्रिस्टल अवार्ड देता है फ्रांस जो इस बार दीपिका पादुकोण को मिला है जो कि फिल्म अभिनेत्री है अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यह है सर गारफिल्ड ट्रॉफी ये किसको मिली ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो सर गार्ड फील्ड ट्रॉफी है ये किसे दी गई है ये क्वेश्चन पूछा तो हमें एक तो ये पता होनी चाहिए कि ये ट्रॉफी किसको मिली पहले क्वेश्चन आ गया दूसरा इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दो क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए तो ये ट्रॉफी किसको मिली है बेन स्टोक को मिली है ये बेन स्टोक को मिली है और ये क्रिकेट के क्षेत्र की ट्रॉफी है ये अब आपसे यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि सर गारफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और किसको मिली है बेन स्टोक को आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है इसका संबंध किस देश से है तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है ये क्रिकेटर है ये इंग्लैंड के मेरे से ज़्यादा जानते हो आप क्रिकेट के बारे में अब ये मैंने कहां करवाए आपको ये मैंने करवाए थे आपको आईसीसी अवॉर्ड में आप उठा के देखिए आईसीसी अवार्ड में मैंने आपको इनके बारे में सरगार फील्ड ट्रॉफी के बारे में बताया हुआ है बेन स्टोक को मिला है तो सब चीजें आपको उपलब्ध करवा दी गई है ये मैं आपको बता दूं और इतना इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आपको दिया गया है मुझे नहीं लगता कि कर्ण से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर आने की एक उम्मीद हम कर सकते हैं कम से कम चलो इतना तो पढ़ें हम इतना तो याद करें इसी धारणा के साथ हम चलें तो भी मुझे लगता है हम क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते और एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन का अपना एक महत्व होता है उनको तरीके से किया जाता है आप कह दो कि मैं सौ में से सौ लेके जाऊँगा मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली संभव नहीं है सारे तो देखो क्वेश्चन नहीं आ सकते सारे तो नहीं आ सकते लेकिन यदि हमें यह बात पता होती है कि इतना ही पढ़ना है इसके अलावा नहीं पढ़ना है उसके अलावा या उसके बाद हम फिर भटकाव की स्थिति यदि करते हैं तो फिर मुझे लगता है उसके जिम्मेदार फिर हम स्वयं होते हैं तो डिसीजन आपका अपना है आप किस चीज को फॉलो करते हो कैसे करते हो जैसे आपको उचित लगे मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण पेश कर रहा हूं ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो उसी विश्वास को ध्यान में रखी बार बार आपको कहा जाता है और जो बच्चे कई होते हैं बड़े परेशान रहते हैं इस तरीके से कि सर बार बार ये क्यों बोलते रहते हैं तो भाई उनके लिए मैं पहले ही कह दूं मैं तो बोलूंगा जी जरूर बोलूंगा मैं ताकि मेरे साथ जो जोड़े हुए जुड़े हुए जो, जो स्टूडेंट है वो उस महत्व को समझे क्योंकि कामयाबी कामया आप सभी को थोड़ी मिलती है कामयाबी पंद्रह लाख फार्म भरे जाते हैं उसमें दो हजार लोगों को का कामयाबी मिलती है तो दो हजार लोग कोई साधारण लोग थोड़ी होंगे वो असाधारण लोग होंगे और पंद्रह लाख लोगों में ये थोड़ी है कि कोई हमारी बात को पसंद करे हो सकता है चौदह लाख ही ना पसंद करें तो वो उनकी अपनी मनोवृत्ति है आलोचना करना ये तो एक जीवन का अंग है ये चलता रहता है और इसे स्वीकार भी करना चाहिए खैर जो भी है अब एक क्वेश्चन आया मानसूनी वन को किस नाम से जाना जाता है जो मानसूनी वन है यह जनरल जीके में आपको कराया हुआ है ये उषण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उषण कटिबंधीय पर्णपाती वन है एक बात और मैं आपको बता दूं मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है ऑप्शंस नहीं है उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी है कि ये क्या होते हैं जैसे ये जो बच्चे ने मुझे भेजा है मानसूनी वन के नाम से कौन से वनों को जाना जाता है हो सकता है कि जो मूल पेपर हो उससे मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर लूँ तो उसके लिए मैं समाप्रार्थी हूँ लेकिन उसके आसपास की चीजें जो मैंने देखी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन पंद्रह सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे ही बनते हैं और ये आप देख सकते हो कि ये सारी बातें आपको पहले करवाई हुई है तो इसका मतलब हम सफलता की तरफ चल रहे हैं अब देखिए एक क्वेश्चन आया इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से रोग आप अपने साइंस का चैप्टर उठा के देख लीजिए इंसुलिन के बारे में बीटा कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि खोज किसने की थी इंसुलिन की इंसुलिन में कौन सी धातु होती है डायबिटीज के बारे में बताया था विश्व डायबिटीज डे कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है सब बातें बताई हुई है आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है डायबिटीज होती है मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं पूरा नाम भी बताया हुआ आपको अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो अब पांचवां जो क्वेश्चन है यह है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है बताया हुआ है आपको यह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ये है शिवांगी सिंह नहीं बताया तो बता दीजिए बिल्कुल शिवांगी सिंह क्लियर हुई बातें सारी और इसके अलावा भूकंप को मापने की जो स्केल होती है उसकी रेंज क्या है यह बताया अभी बताता हूं लेकिन एक छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं पहले में कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान दिवस कब मनाया जाता है याद कीजिए मैंने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के बच्चों को जो मटेरियल भेजा था ऑफलाइन वाले बता दीजिए आपके सामने है सारी चीजें नहीं बताया है तो बता दीजिए निर्माण का जो प्रक्रम होता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया उसमें हम पढ़ते हैं छब्बीस नवम्बर संविधान दिवस मनाया जाता है एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इससे हटके आया हो हालांकि 100 परसेंट सार्थकता कभी नहीं हो सकती इसे हम स्वीकार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि 100 परसेंट सार्थकता कभी होगी भी क्योंकि ये इम्पोसिबल होता है और जिस दिन ये घटना घटित हो गई उस दिन वो अपवाद होता है जीके में अपवाद मिलेगा कि हंड्रेड क्वेश्चन आ गए वो एक्सेप्शनल केस होता है जनरली हंड्रेड क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं किसी के भी नहीं आएंगे एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए अब देखिए एक क्वेश्चन है कि जो लोकसभा है अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को किस आर्टिकल के तहत चुनती है किस आर्टिकल के तहत चुनते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ अब ये क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं है और ये इस कारण से नहीं है क्योंकि आर्टिकल से मैं आपकी बचाव को ज़्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि यदि आपको उन आर्टिकल्स में मैंने इन्वॉल्व कर दिया तो आप अन्य क्वेश्चन गलत कर सकते हो ये मेरी स्ट्रेटजी के तहत आता है हालांकि ऐसी संभावनाएँ कम ही बनती है कि जो वहाँ नोट्स में नहीं है वो ना आए लेकिन ये क्वेश्चन हमसे हटके आया है ये नहीं है हमारे नोट्सों में तो यहां मैं आपको आगाह करूंगा एक तो इसका एंसर क्या है आर्टिकल 93 के तहत तो इसका एंसर आर्टिकल 93 है अब मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जो ऑनलाइन के बच्चे हैं जहां मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवाता हूं और जहां मैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता हूं याद कीजिए इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं और शपथ से संबंधित इनकी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि ये दोनों ही शपथ नहीं लेते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं इनके बारे में जहां मैं आपको बताता हूं वहां आप ये बात लिख दीजिए आर्टिकल 93 के तहत इनको चुना जाता है तो इससे आपके नोट्स जो है अपडेटेड हो जाएंगे सिस्टमेटिक हो जाएंगे और आपके नोट्स की गुणवत्ता और ज्यादा हो जाएगी क्लियर तो ये आप वहां पर जाकर ऐड कर ले 93 आर्टिकल इसके तहत लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है आठवां पॉइंट आ जाइए यह क्वेश्चन आपके है कि कालबेलिया नृत्य को संयुक्त राष्ट्र की इकाई जो यूनेस्को है ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया ये जो कालबेलिया नृत्य है मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं को यूनेस्को ने कई बार हम चर्चा कर चुके हैं यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया ये है तो इसका जो आंसर है यह 2010 में वर्ष 2010 में इसको शामिल किया था और आप जानते हो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कई बार हम चर्चा करने कर चुके हैं यहाँ मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ जैसे जयपुर को शामिल किया गया था 2019 में उसकी बात हम पहले कर चुके हैं बस थोड़ा सा कालबेलिया नृत्य जो है ये किसका किससे संबंधित है ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान का और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है विश्व प्रसिद्ध कलाकार जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार गुलाबो आर एस में इस पर क्वेश्चन आया था नौवा क्वेश्चन जो है यह है कि भूकंप मापने के स्केल की रेंज क्या होती है मैं पूरा लिखता हूं भूकंप मापने की स्केल की रेंज क्या होती है रेंज क्या होती है भूकंप मापने की स्केल की रेंज क्या होती है अब देखिए पहली बात तो जो भूकंप मापने का जो स्केल होता है इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टोमीटर रिएक्टोमीटर स्केल का नाम है ये रिएक्टोमीटर क्लियर और रेंज क्या होती है जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ ना कि जैसे पीएच है पीएच कहां कहाँ से कहाँ तक होता है जीरो से चौदह तक होता है पीएच की वैल्यू जो होती है जीरो से चौदह तक होती है इसी तरीके से इसकी जो रेंज होती है एक से नौ तक मानी जाती है ध्यान रखना एक से नौ तक मानी जाती है लेकिन नौ से भी आगे जा, जा सकते हैं हम लेकिन जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि अभी तक नो रिएक्टर का भूकंप आया नहीं है इस कारण से उसको माना नहीं जाता है तो इसकी रेंज जो होती है एक से नौ तक होती है यह आप ध्यान रखें रिएक्टोमीटर की और थोड़ा सा रिएक्टोमीटर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इसकी जो खोज की थी ज्यादा पुरानी खोज नहीं है 1935 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज की गई थी चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग के द्वारा चार्ल्स रिएक्टर थे इन्होंने खोज की थी क्लियर और इनके जो सहयोगी थे ये थे बेनो गुटेनबर्ग बेनो गुटेनबर्ग अब हालांकि आपको ये रिएक्टर भूकंप वगैरह आपको ज्योग्राफी में करा दिया जाता है लेकिन ये चार्ल्स रिएक्टर ने इसकी खोज की थी ये बात आपको नहीं बताई जाती और बताने की जरूरत भी नहीं है कि रिएक्टर शब्द इन्हीं में आता है बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन रूप में आप देख लीजिए कि सहयोगी जो थे वो बेनो गुटेनबर्ग थे थोड़ा सा ऐड कर लेना और ज्यादा इस पर सीरियस होने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है अब देखिए एक पंकज आडवाणी पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी आते रहे हैं पंकज आडवाणी पे ऐसा कुछ नहीं है बिलियर्ड्स में बिलियर्ड्स कैरियर में कुल कितने विश्व खिताब जीते हैं तो पंकज जो आडवाणी है ये बिलियर्ड्स से संबंधित है पुराने पेपर देखोगे तो ये आया हुआ है किस खेल से संबंधित है और अब तक के जो इनके जो वर्ड रिकॉर्ड कह दीजिए या वर्ड उपलब्धियां खिताब कह दीजिए ये जो है थर्टी फोर है 34 इनके विश्व खिताब है अब तक के और 2006 में इन्हें राजीव गांधी खेल रतन पुरस्कार भी मिला था पंकज आडवाणी को क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए फिर मैं अन्य क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा एक क्वेश्चन आया कि राज्य हड़प हड़प नीति किसके शासन काल में आई राज्य हड़प नीति ये बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी इसने इस्तेमाल कर ली लेकिन इंग्लिश में आपके देरखा होगा वो जो आपने नाम सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स याद कीजिए हिस्ट्री में करवाता हूं आपको आधुनिक भारत में कराया हुआ ऑफ लेट्स वहां आपको यह भी कहता हूं कि देख लीजिए याद रह जाएगा दे, दे मतलब डलहोजी ये भी आपको मैं इस मायने से आपको याद रखने का प्रयास करवाता हूं तो यह लॉर्ड डलहोजी के काल में हुई थी जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन गलत करके आए होंगे लॉर्ड डलहोजी के काल में हुई है अब देखिए एक क्वेश्चन है कि नाम दिया साई परिणीत का संबंध किस खेल से है साई परिणीत का संबंध किस खेल से है देखिए हो सकता है आप ये क्वेश्चन बता दो लेकिन यहां से हमें एक बात सोचने को मजबूर करती है कि हम जो खिलाड़ी है मैं कई बार आपको कहता भी हूं कि खिलाड़ी और खेल ये इंपॉर्टेंट होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का यदि कोई खिलाड़ी है तो उसका देश इंपॉर्टेंट होगा जैसे पुराना क्वेश्चन बोलूं और सदा क्वेश्चन है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है बहुत बार आता है ये सदा क्वेश्चनों की श्रेणी में है तो ये जो साई प्रणीत है इनका संबंध बैडमिंटन से है ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड रखते हैं ये अब एक क्वेश्चन आया कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं याद कीजिए गैल्वनीकरण गैल्वनीकरण कहते हैं इसको मैंने वहां पर एक शब्द इस्तेमाल करता हूं जब आपको केमिस्ट्री करवाता हूं कि जितने भी करण हैं उनको याद कर लीजिए ऑक्सीकरण याद कीजिए किसे कहते हैं सब बताता हूं आपको ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण याद कीजिए वल्कनीकरण रबड़ वाला रबड़ को कठोर व लचीला बनाना वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करते हैं रबड़ को वो सारी बातें हैं ये ये सब बातें आपको साइंस में कराई हुई है बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये अब देखिए आया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक याद कीजिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसमें मैं आपको आर्थिक नियोजन करवाता हूं जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा आज रात तक वो अपलोड हो जाएगा आपके पंचवर्षीय योजना करवाता हूं उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं प्रोफेसर पीसी महलनोबीस वहां बताता हूं स्टेटिक्स से संबंधित राष्ट्रीय सांख्य की दिवस किस कि स्मृति में मनाया जाता है तो मैं आपको बताता हूं प्रोफेसर पीसी महलनोबीस तो ये थे प्रोफेसर पी सी महलनो तो उसके पूछने का अपना एक तरीका है अब जो एक क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन दूं और अभी बात करता हूं आपसे सागा दावा सागा दावा देखिए सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है सागा दावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं इन सब की डिटेल तो जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा इंडिया लेवल का मैंने आपको पहले भी एक बार लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का एक अलग से ही वीडियो तैयार करूंगा और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मैं कराऊंगा लेकिन वो मैं जब अब पेड कोर्सेज में आएगा वैसे नहीं आएगा वो ठीक है क्योंकि लंबा चैप्टर होता है लेकिन इसकी बेसिक बात मैं बता दूं आपको एक तो इसका आंसर पहले तो यह है कि यह सिक्किम का है क्लियर सिक्किम राज्य का है सागा दावा मैं अभी इसके साथ साथ ही आपको या तो नौ बजे से पहले या दस बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं स्टैटिक जीके का उसमें मैं ये जो त्योहार है उनकी एक लिस्ट दे रहा हूं आपको उसके अंदर त्यौहार के बारे में बताऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा डिटेल इसकी मैं आर्ट एंड कल्चर में जब मैं आपको वहां पर जनरल जीके में कराऊंगा तब मैं डिटेल तब दूंगा मैं वापस रिपीट कर दूं लेकिन जो बेसिक बातें अभी आपके आ रही है त्योहारों के संबंध में उनकी बात मैं अभी स्ट्रेटेजी जीके में ओवरऑल करूंगा ठीक है जो बेसिक बातें हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को मैं लेकर चलूंगा ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको तो उस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा तो सागा दावा ये सिक्किम का त्यौहार है क्लियर तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आए आज भी पेपर हुआ है आपका वो जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे आपको करवा दिया जाएगा ठीक है तो इस आधार पर आप समझने का प्रयास करें कि एग्जामिनर की सोच क्या है क्लियर तो राइट डाउन कीजिए तो दोस्तों आज हमने एस एस सी टेन प्लस टू के पेपर को एनालाइज किया और जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो क्वेश्चंस के महत्व को समझ सके तो इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार